जय हो जय हो जय हो मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेर क्या हाल सब बढ़िया आई होप आप सभी लोग सही होंगे बढ़िया होंगे मस्त होंगे आज पार्ट टू लेके आया हूं एनएलएम का चौवनवा दिन है डे है आज और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एन का पार्ट नंबर टू ठीक है एनसीआर टी क्वेश्चन सेकेंड पार्ट सारा कुछ फिनिश करेंगे बहुत ही डिटेल में आइए जरा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन Using a horizontal force of 200 newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. badhiya pakad ke khinch rahe हैं। What is the friction force that will be exerted on the cabinet? तो कोई wooden cabinet है, उसको हमलोग 200 newton से एक constant velocity बनाके maintain करना चाह रहे हैं। तो limiting condition क्या बोलती है कि जितना आप force लगा रहे हो वो friction को मतलब फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए है फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स है अगर उसको आपने ओवरकम कर लिया तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता जाएगा हाँ या ना साइकिल में पैडलिंग करते थे ना आप तो आप एक कांस्टेंट रेट से अगर पैडल कर रहे हो एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो तो साइकिल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी है ना तो वो क्या है जस्ट टू ओवरकम द फ्रिक्शन यानी कि दो न्यूटन So, Krita friction raha those are Newton. Khatam. Next, according to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. Obviously, a student justifies this by answering that the two opposite.

अगर ऐसा होता तो फिर कभी मूवमेंट होता ही नहीं एक्चुअली ट्रक के नहीं मूव करने का कारण यह है उसका मासिव होना यह हमने लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा और आपका जो पुश है वो फोर्स सफिशियंट ही नहीं है जिससे कि एक्सेलरेशन आ भी सके मीन्स एक्सेलरेशन को अगर हम लोग कहें मूवमेंट के लिए मोशन के लिए एक्सेलरेशन वगैरह की जरूरत है तो फोर्स बराबर एम ए होता है तो यहां पे ए बराबर एफ बाई एम फोर्स आप कितना भी लगाओ मास बहुत ज्यादा है ना ये लार्ज है तो अगर ये लार्ज है तो लार्ज होने के बाद में आपका ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये क्या हो जाएगा टेंडिंग टू जीरो तो मोशन होगा ही नहीं बात खत्म इनर्शिया ज्यादा है इसीलिए समझ गए इस बात को यहां पे इनर्शिया है जो ज्यादा है इसी वजह से आई होप इट इज क्लियर ठीक है

आओ चलो देखते हैं कैसे होगा ये कैसे नहीं होगा समझो तो यार मुझे क्या लगता है मोमेंटम चेंज बोला है उसने तो अगर उसने मोमेंटम चेंज बोला है तो ये रही हॉकी बॉल ऐसी कुछ होती है और ये मान लो मूव कर रही है दस मीटर पर सेकेंड से कितनी है ये दो सौ ग्राम की है।, है ना कितनी ग्राम्स की है दो सौ ग्राम्स की है अच्छा तो ये ऐसे ट्रेवल कर रही थी इस पाथ के अलावा तो जब इसको हॉकी से स्टिक किया गया स्टिक से मारा गया तो फिर ये पांच मीटर पर सेकंड से ऑपोजिट में चल गई ठीक है मोमेंटम चेंज क्या होगा डेल्टा पी इक्वल्स टू व्हाट ये जो डेल्टा पी है ये कितना होगा ये निकालना है तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते पी इनिशियल पी इनिशियल हो जाएगा दो ग्राम मतलब जीरो पॉइंट टू कितना हो गया एम इंटू वी होता है ना पी का फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू वी सही तो हमने क्या किया यहां पे मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी करके ये निकाला सही बात है अच्छा अब ये हो गया टू के जी मीटर पर सेकेंड पी इनिशियल राइट अब देखिए पी फाइनल एक्चुअली है तो 200 हंड्रेड ग्राम ही नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी माइनस फाइव हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई ना इस इधर था अब इधर हो गई रिटर्न्स अलोंग द सेम बोला भी है उसने तो ये योग माइनस का कितना आ, वन के जी मीटर पर सेकेंड हा सही अब डेल्टा पी देखो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कितना हो जाएगा पी फाइनल माइनस का वन माइनस का टू माइनस का थ्री के जी मीटर पर सेकेंड इतना चेंज आ रहा है जो है वहां पर ठीक है नेक्स्ट ए बुलेट ऑफ मास टेन ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजोंटली वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक से स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इतने टाइम में कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इन टू द ब्लॉक ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट कैसे करेंगे तो देखो ये करने के लिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा के हम लोग ए निकाल लेते हैं एक्सलेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले दस ग्राम डेढ़ सौ मीटर पर सेकेंड एंड पॉइंट जीरो थ्री देखिए मास ऑफ द बुलेट दस ग्राम इनिशियल वेलोसिटी डेढ़ सौ मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे आ गया तो जीरो और टाइम कितना हो गया पॉइंट जीरो थ्री सेकेंड तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लो V इक्वल्स टू यू प्लस एटी सही है तो v फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया जीरो इनिशियल कितना था 150 वन फिफ्टी प्लस जीरो थ्री। इसको इधर फेंको माइनस डेढ़ सौ बराबर पॉइंट जीरो थ्री ए सही है ए की वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो डेढ़ सौ अपॉन जीरो पॉइंट जीरो थ्री क्या हो रहा है ये जीरो पॉइंट जीरो थ्री सही बात है हाँ या ना अच्छी बात आगे बढ़े नेक्स्ट एक मिनट रुको यार ये मतलब दिक्कत कर रहा है अब ठीक है तो ये हुआ ऐसा हाँ या ना क्लियर है अब हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने डेढ़ सौ इंटू सौ अपॉन तीन सही है पांच जीरो पांच हजार माइनस का माइनस का फाइव थाउजेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना जबरदस्त एक्सेलरेशन है यहां पे कितना माइनस का फाइव थाउजेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लॉजिक क्लियर है हाँ या ना आगे बढ़े नो इश्यूज अब हम लोग ये समझ लेते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने कितना अंदर गया होगा तो वही एस इज इक्वल टू या सीधे सीधे वी स्क्वाय बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी ये कितना हो गया जीरो यू स्क्वायर कितना था डेढ़ सौ इंटू डेढ़ सौ प्लस टू इंटू माइनस का पांच हजार इंटू एस सही है तो इधर गया ये माइनस का डेढ़ सौ डेढ़ सौ इधर जाके माइनस हो गया ना? बराबर इधर कितना है दस हजार एस माइनस का दस हजार एस सही बात है एक जीरो दो जीरो टिंग टिंग टिडिंग पांच देखो तो और माइनस से माइनस उड़ा दो कितना हो गया 15 इंटू फिफ्टीन बराबर हंड्रेड एस ये होता है 225 सौ अपॉन में 100 तो एस कितना आ गया? 2.25 मीटर तो कितना अंदर जा चुका होगा वो 2.25 मीटर उस वुडन ब्लॉक में कितना अंदर जा चुका होगा वो 2.25 मीटर इज इट क्लियर हाँ ना आई होप इट इज डन कॉपी कर लो कॉपी कर लो आगे चलते हैं नेक्स्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 के जी इज एक्सलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलॉसिटी इतने से इतना छह सेकंड में कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ये तो हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी कराया था मैंने हाँ या ना अभी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालने का बोला है ना इसने तो ये क्वेश्चन तो हम लोग ऐसा कर ही चुके हैं यार क्या दिक्कत है तो ये होमवर्क ले लो मतलब पता है ना कैसे करेंगे इसे बोलिए पता है ना इसको कैसे किया जाएगा होमवर्क कैसे करेंगे बताओ बहुत आसान है पी वन पी टू मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है एक ही डायरेक्शन में अब उसने पूछा है फोर्स फोर्स कितना हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन या फिर हंड्रेड एट माइनस फाइव कितनी देर में सेकंड में खत्म हो जाएगा फोर्स आ जाएगा राइट तो आप इसको ऐसे कर सकते हो यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए नेक्स्ट एंड राहुल ठीक है तो एक इंसेक्ट आता है और विंडशील्ड पे हिट करता है और विंडशील्ड पे चिपक जाता है आपने भी कई बार ऐसा नोटिस किया होगा अख्तर एंड किरण started pondering over the situation kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to change in momentum of the motor car because the change in velocity of the insect was much more than that of the motor car akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity it exerted a larger force on the insect and as a result the insect died rahul while

कार ने बर्दाश्त कर लिए क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा अगेन मास ज्यादा है सो दैट इज कौन सही है इनमें से राहुल सही है और क्या है ठीक है नेक्स्ट हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बल ऑफ मास ट्रांसफर टू द फ्लोर एज इट फॉल्स डाउन फ्रॉम ए हाइट ऑफ एटी सेंटीमीटर टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सलेशन टू बी इतना देखो कोई डम्बेल है टेन के जी का मास कितना है इसका टेन के जी ठीक है कितनी हाइट से गिर रहा है वो एस बराबर एटी मीटर नीचे गिर रहा है एटी सेंटीमीटर तो जीरो पॉइंट एट मीटर है ना तो जब ये फाइनल वेलोसिटी लेगा तो फाइनल इसकी क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया है तो जीरो होगी फ्री फॉल फॉल्स बोला है ना तो फ्री फॉल हो गया ये राइट right? एक्सेलरेशन इतना लेना है तो सबसे पहले वी निकाल लो यू प्लस एटी लेकिन यार सर यहां तो टाइम भी नहीं है कैसे करें एक तरीका और है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस हाँ बात तो सही है सर बात तो सही है तो कितना हो गया फाइनल मोमेंटम के लिए तो जरूरी है ना वी स्क्वायर बराबर जीरो का स्क्वायर प्लस टू इंटू टेन इंटू जीरो पॉइंट एट नहीं, बीस सोलह हो गया ये वी स्क्वायर बराबर सोलह तो वी बराबर चार मीटर पर सेकेंड सही बात है चार मीटर पर सेकेंड का फाइनल है अब देखो मोमेंटम ट्रांसफर कितना हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल पी इनिशियल तो जीरो है पी फाइनल यही होगा अब देखो फाइनल कितना हो गया टेन के का डम्बल है कितना हो गया फोर्टी के जी मीटर पर सेकेंड खत्म तो यहां पे आपके uh, समाप्त होते हैं क्वेश्चन अब कल का समय लेंगे आप कल मैं आके बायदा होमवर्क भी दूंगा चिंता मत करिए और फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर ओके जी वर्क एनर्जी पावर को फिर इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे Thank you so very much. Bye bye. Take care. Jai. Love you all. See you soon.